हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा पिन व्हील्स जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं इसमें चिकन भी डालूंगी, तो चलो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है एक कटोरी भर करके, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच दही, और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इन सबको डालकर मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें हल्का सा पानी भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। और ऊपर से फिर इसमें मैं ऑयल लगा करके इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाए। बस इसमें ऊपर से ऑयल लगा देना है और इसको ढक करके रख देना है। अब हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बेस बना लेती हूँ। अब इसको अच्छे से बेल लूँगी रोटी की तरह। ये हो गया है। अब इस पर मैं डाल रही हूँ ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। आपके पास कोई भी सॉस हो पिज़्ज़ा की तो वो आप डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर लूँगी चारों तरफ, और फिर इस पर ये कुछ सब्ज़ियाँ जा रही हैं, जिसमें कि अभी ये मैंने अनियन डाला, शिमला मिर्च और टमाटर। मेरे पास अभी यही सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी तो बस मैंने यही डाला। आपके पास जो भी हो वो आप अपने मनपसंद की सब्ज़ियाँ इस पर डाल सकते हैं। ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ चीज़, थोड़ी सी चीज़ स्लाइस। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल सकते हो या फिर स्लाइस ही केवल डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने दोनों डाल दिया है, और ऊपर से ये ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स जा रहा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और ये बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। इसको आप ऐसे भी हीट करके पका सकते हो, या फिर इसको आप पिज़्ज़ा व्हील भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पिज़्ज़ा व्हील। बस इसको अच्छे से रोल कर लेंगे, और बहुत संभाल कर करना है। मैंने इसको रोल कर लिया है। अब इसको बराबर साइज़ में काट दूँगी मैं। बस फिर मैं इसको ट्रे लेकर के उस पर बटर पेपर रखा और ये सारे व्हील्स इसके ऊपर रख दे रही हूँ। और फिर यहाँ पर मैं चिकन की कुछ पीसेस डाल रही हूँ जो कि पहले से मैंने मैरिनेट करके रख लिया था, और फिर उसके बाद पका लिया इसको अच्छे से। तो ये पके हुए चिकन के पीसेस हैं। इसको अच्छे से रखना है क्योंकि ये टूट भी सकता है, क्योंकि अभी ये पका हुआ नहीं है। और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से चीज़, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ सारे व्हील्स पर डाल दूंगी। उसके बाद फिर इसको प्री हीटेड ओवन में रखना है 10 मिनट के लिए। मैं इसको 150 डिग्री पर हीट करूंगी, ओवन में रख के 10 मिनट के लिए। बस ये बनकर रेडी हो गया। बस एंजॉय करिए, खाइए।